मैं सूरत में सैयदपुरा में रहती हूँ। मैं आश्रम में लगभग 25 साल से आती हूँ। मैंने मंत्र दीक्षा भी ली हुई है। और मेरा नाम उमा बेन अनिल भाई परमार है। 25 सालों से आ रहे हो, बापू पे इतने आरोप लगे, उसके बारे में क्या कहो? सब भी गलत है। जो जिसको कमला रहता है ना, उसको सबको पीला ही लगता है। 25 सालों से आ रहे हो, क्या यहाँ सीखने को मिला, क्या देखने को मिला? इतना भी अनुभव हुआ है ना, तो हम कह भी नहीं सकते कि हमें क्या मिला है। जिसको जो चाहिए वो यहाँ पे ही मिलता है। अपने भगवान तो नहीं देखे, पर बापू के रूप में हमने साक्षात भगवान देखे है। हमारा जो मन्नत मानते हैं, जो इच्छा होती है, सभी यहाँ के हमारी पूरी होती है। क्या मांग करोगे सरकार से महिला होने के नाते? सरकार से हम यही मांग, एक महिला होने के नाते कहते हैं, कोई गुरु कोई भी हो उसको मत सताओ। वो भगवान का दिया हुआ दूत है, यहाँ पे भगवान का काम करने आ रहा है, उससे अपना काम करने दो। आज भी बापू को निर्दोष मान? हाँ, आज भी मानते हैं। जहाँ तक हम जिंदा रहेंगे बापू को निर्दोष ही मानेंगे। हम 25 साल से आते हैं, रात को भी यहाँ रुकते हैं, जब से भी रहते हैं, हमने कभी भी कुछ नहीं देखा ऐसा कोई काम। मतलब आरोपों में कोई सच्चाई नहीं? कोई सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई नहीं। हमने तो अभी तक कभी भी नहीं देखी। क्यों? मेरा नाम हिरल बाजाड़ेजा है और मैं यहाँ शरणम में रहती हूँ। और आसाराम बापू जी से दीक्षा ली हुई है मैंने। दीक्षा 10 सालों से ली हुई है। हमारी श्रद्धाएं बढ़ती ही जा रही है और इसमें कोई कमी नहीं है। और बापू जी निर्दोष है और निर्दोष ही रहेंगे। मेरा नाम निर्मला है, मैं व्यारा तालुका जिला तापी से आई हूँ। मैं 10 साल से मैं बापू को मानती हूँ। और जब हम बापू का कोई भी मुश्किली आती है तो दूर से पुकारते हैं, हमारी मुश्किली टल जाती है। इसलिए हम गुरुदेव को और भगवान जैसा हम मानते हैं। मतलब आज भी बापू को निर्दोष? हाँ, हम निर्दोष मानते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए।